दो सीढ़ी चलना तो क्या दो कदम भी नहीं चल पाता था मैं, ये तो उठना बंद हो गया, छह महीने बिल्कुल जमीन बिस्तर पर रहा। ये सोचते थे कि कैसे चलेगी, घर गृहस्थी, रोना तो आता था देख के हालत के, ये ज्यादा हो रहे हैं दिन पे दिन, मतलब तबीयत बिगड़ती जा रही है। 7-8 महीने बिल्कुल बिस्तर पे ही रहा, कोई पानी नहीं पी पाता। एक बार तो बात ऐसा हुआ मैं जा रहा है कि ना, प्यास बहुत शिद्दत की लगी तो हाथी नहीं काम कर, उठ नहीं पा रहे, तुम्हें पानी नहीं पिया, आंसू आ गए। कमाल देखिए, नफीस साहब जहाँ पे चल भी नहीं पाते, और अब देखिए ये कितनी फुर्तीले अंदाज में चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। तो गोंसिया के इस्तेमाल के बाद तबीयत 95% नहीं बल्कि मुझे 99% इसमें आराम है, सही और शुद्ध जो है ये हकीम साहब के यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि मैंने इसको शुद्ध के लिए बहुत खंगालने की कोशिश करी। ये वो व्यक्ति हैं जिनकी कहानी आपको जरूर हैरान करेगी, सुनने में शायद विश्वास ना हो लेकिन इनके जैसे वाक्य खुद पर आत्मविश्वास होने से पेश हो जाते हैं, जो इस समय आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 15 वर्षों से बिस्तर पर बेहद दर्द में जी रहे थे। जयपुर के खो नागौरी करीम नगर के इस मकान में रहने वाले नफीस अहमद ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन आज इनकी कहानी हजारों लाखों ऐसे मरीजों को प्रोत्साहित जरूर करेगी जो अपनी बीमारी के कारण जीने का हौसला खो चुके हैं। हमारा मर्ज बहुत बढ़ चुका था, पूरे बॉडी के अंदर ये सुन पना गया था, और यहाँ कंधे पे और यहाँ पे ऐसा महसूस होता था जैसे कील गड़ी हुई। बहुत ज्यादा शदीद दर्द होता था मेरे, इतना दर्द होता था कि चलते चलते मैं कभी कभी गिर पड़ता था, ना सो पाना ना कुछ अच्छा, मतलब एक तरह से मायूस हो गए। काफी देसी दवाएं वगैरह इस्तेमाल करता रहा मगर उनसे कोई नतीजा नहीं निकला। ग्वालियर दिखाया, एक संजय गांधी हॉस्पिटल नखलू वहाँ दिखाया, कुछ नहीं निकला। 7-8 महीने बिल्कुल बिस्तर पे ही रहा, कोई पानी नहीं पी पाता। एक बार तो बात ऐसा हुआ मैं जा रहा है कि ना, प्यास बहुत शिद्दत की लगी तो हाथी नहीं काम कर, उठ नहीं पा रहे, तुम्हें पानी नहीं पिया, आंसू आ गए। परेशान थे और ये सोचते थे कि कैसे चलेगी घर गृहस्थी, कैसे क्या होगा। जी कहते थे सही हो जाओगे, क्यों घबरा रहे, हम लोग हैं तो साथ में। रोना तो आता था देख के हालत के, ये ज्यादा हो रहे हैं दिन पे दिन, मतलब तबीयत बिगड़ती जा रही है। महीने दर महीने बिस्तर पर पड़े रहने के कारण उनकी मानसिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने आखिर में ऑपरेशन करने को कह दिया था, साथ ही ये भी चेताया था कि ऑपरेशन के बाद पैरालिसिस का खतरा हो सकता है। जरा सी कोई ऊंचाई वाली चीज जैसे सीढ़ी है तो मैं बड़ा 10 बार सोचता था कि इस पे कितनी देर में जाऊंगा, ये नहीं हो पाता था। यानी बॉडी बिल्कुल एक तरह से धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह ठंडी होती जा रही। फिर एक डॉक्टर भास्कर है इसी SMS में, अभी प्रेजेंट में है, ये न्यूरो सर्जन है, उनसे मैं कंसल्ट हुआ तो उन्होंने बहुत अच्छे तरह से मुझे समझाया। तो वो कहने लगे ऑपरेशन तो कर सकते हैं मगर ये 99% चांस है आपके पैरालिसिस होने के, अपाहिज होने के। आज ये कैसे हुआ कि वो चलने फिरने के साथ सीढ़ियों पर दौड़ लगाने लगे हैं? अप्रैल 2023 में वो पहला डब्बा सियागोन का मेरे यहाँ आया, और हफ्ता 10 दिन में ही मुझे उसका रिजल्ट लगा कि बॉडी ने बताया कि हाँ कुछ फायदा है। दिसंबर आते आते मुझे लगा कि मैं 50-60% ठीक हूँ। जो मुझे फायदा हुआ है वो इस दवाई की बदौलत हुआ है, सच बात तो ये नहीं। मुझे फिर उम्मीद हो गई थी हाँ सही हो जाए, जब खाते खाते मतलब सही होने लगे और फिर मतलब धीमे धीमे चलने फिरने भी लगे और खा खा फिर सही भी होने लगे, खाना आना भी खाने लगे अपने हाथ से, फिर कोई ऐसे तब तो उम्मीद जागी गई कि अब सही हो जाएंगे। यही जानने और देखने हम पहुंचे हैं इनके घर जयपुर के खो नागौरी करीम नगर में। नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जयपुर से 5 किलोमीटर दूर खो नागौरी करीम नगर, जगह है एक जहां पे ये पूरा मुस्लिम इलाका है और यहां रहते हैं नफीस अहमद साहब। उनसे मिलने हम आए हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी से जुड़े बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हम रखेंगे। और ये बात मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नफीस अहमद साहब अपनी ज़िंदगी से इतने परेशान हो गए थे, इतने निराश हो गए थे, यहाँ तक कि उन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। वो किस लिए? क्योंकि उनका जो शरीर है वो जाम हो गया था, वो दर्द से इतने कराहते थे कि उठने बैठने में असमर्थ हो गए थे, बेड पर वो आ गए थे। लेकिन जब हकीम साहब से वो जुड़े तो 1 साल के अंदर कितना बदलाव उनकी ज़िंदगी में आया है, जो आप लोगों के लिए एक साल बनने वाले हैं, प्रेरणा बनने वाले हैं, जो दिखाएंगे हम आपको उनके घर चल के। तो आप देख सकते हैं यही नफीस अहमद साहब का घर है जहां पे हम आपको लेके चलेंगे। तो चलिए तुरंत आपको लेके चलती हूं मैं नफीस अहमद साहब के घर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
अरे वाह, क्या कमाल देख रहे हैं हम। भागते हुए आइए, भागते सीढ़ी चढ़ जाएंगे क्या आप? बिल्कुल बिल्कुल, आते क्या फ्लोर में चढ़ जाऊंगा। तो कमाल देखिए, नफीस साहब जहाँ पे चल भी नहीं पाते थे, इनका पूरा शरीर जाम हो गया था, और अब देखिए ये कितनी फुर्तीले अंदाज में चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। तो ना जाने मैं तो कहूँगी कि कितने आप सीढ़ियाँ चढ़ लेंगे उतर लेंगे ये बता दीजिए आप, जितनी बार हम कहेंगे उतनी बार। तो नफीस साहब का कहना है अगर आप 50 बार भी कहेंगे मैं तो 50 बार चढ़ भी जाऊंगा उतर भी जाऊंगा। जी पहले क्या सोचते थे आप? एक सीढ़ी से दूसरी में कदम रखने से पहले मुझे लगता था कि ये मैं रख पाऊंगा नहीं रख पाऊंगा पैर के। तो आज आप चल नहीं रहे हैं, दौड़ रहे हैं। नफीस साहब कह रहे हैं कि मैं 50 बार चढ़ सकता हूँ, 50 बार उतर सकता हूँ और दौड़ सकता हूँ। ये देखिए फिर से दौड़ लगा दी है नफीस साहब ने। अब आप खुद देखिए कि जहाँ ये बेड पे आ चुके थे और चल नहीं पाते थे, बेड से उठ नहीं पाते थे, और इलाज उन्होंने इतने करा दिए थे, 15-16 साल कम नहीं होते हैं दर्शकों, 15-16 साल के बाद अगर कुछ महीनों का ये रिजल्ट देखने को हमें मिलता है कि सिर्फ चलना नहीं हो रहा, दौड़ना हो रहा है, तो नफीसा वाकई में मतलब अंदर से इतनी खुशी होती होगी और शरीर में इतनी ताकत और फुर्ती आप महसूस करते होंगे कि फुर्ती और ताकत तो बिल्कुल 100% महसूस करेंगे ना। दूसरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है, जो बिल्कुल जीरो पे आ गया था, बिल्कुल कोई आत्मविश्वास अंदर रहा ही नहीं था। ये सोचते थे कि पता नहीं चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। वो इंसान आपके सामने दौड़ रहा है, चल रहा है, सीढ़ी चल रहा है, तो वो हकीम साहब की का बहुत बड़ा करम है। तो मैं जो कहूँगा उनको तमाम खुशी हो और करोड़ों लोगों को फ़ायदा पहुँचे और दूसरों तक बात जाएगी। जी जी, तो ये खुशी है जो उनकी शब्दों में वो बयां कर रहे हैं। और पहले भी उन्होंने हमें बताया था कि उनका पूरा एक लेफ्ट हैंड साइड पूरा सुन्न हो चुका था, ये जाम हो चुका था, गर्दन से लेकर कंधा, कंधे से लेकर हाथ, हाथ में मूवमेंट नहीं हो पाती थी, होता था ये मूव नहीं होता था, ये आकलन में होती थी, और ये तो उठना बंद हो गया। 6 महीने बिल्कुल जमीन बिस्तर पर रहा हूँ मैं, 6-7 महीने के तुम बताए, ये कील ऐसी और ये पूरी सुन्न हो जाता था पैर के ना। तो ये मैंने बता चुका हूँ, ये दो सीढ़ी चलना तो क्या दो कदम भी नहीं चल पाता था मैं। नफीस साहब एक बार फिर से आप हमें सीढ़ियाँ उतर के दिखा देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तो देखिए ये रियलिटी, ये लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। अरे वाह, देखिए आपको देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी मैं चढ़ जाऊंगी तो मुझे थकान हो जाएगी। अच्छा, थकान, सांस फूल रही, थकान लग रही, सांस फूल रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, मैं आपसे बोल रहा हूँ। यही तो हम देखने आए थे इतनी दूर के आप कितने एक्टिव हो गए हैं। जी जी, हकीम साहब का बहुत बहुत लाख लाख करोड़ों शुक्र है ना, उनका कहना ईश्वर का तो है ही ना, मगर हकीम साहब का बहुत भाई मैं एहसानमंद हूँ, जब तक जिंदा हूँ तब तक एहसानमंद रहूँगा। और लोगों से कहता हूँ कि हकीम साहब की दवाएँ इस्तेमाल करेंगे, इनको ये दवा बिल्कुल नेचुरल दवा होती है, ये थोड़ा देर से फायदा करेगी मगर ये जड़ को काट देती है बीमारी। तो मैं ऐसा लगता है कि मैं जैसे मैं 18-20 साल का हूँ। अरे वाह, देखिए उम्र इनकी और कम हो गई है। जी महसूस होता है, नहीं तो मैं समझता था कि मैं मेरी कहानी खत्म हो गई थी इनकी, अब मैं ऐसे महसूस करता हूँ मैं जैसे मैं 18-20 साल का हूँ। कोई जिंदगी अब निरस नहीं, खुशनुमा हो गई, बहुत अच्छी, बहुत खुशनुमा। और इसका जो सिरे है, जो इसका जो कुछ भी मैं कहूँ, मेरे पास लफ्ज शब्द नहीं है, तो इसका सारा सिरे जो हकीम साहब को और उनकी दवा को जाता है। बिल्कुल, आपके शब्द नहीं रुक रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो अब हम आपको लेके चलेंगे नफीस साहब के कारखाने में, कि वो चलते पहले नहीं थे लेकिन अब चल के हम उनके कारखाने तक पहुंचेंगे, साथ साथ उनके चलेंगे। कितने किलोमीटर होगा आपका कारखाना? ये पास में, ये थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, आधा किलोमीटर या 200 मीटर के लगभग होगा। अच्छा, ये जो 200 मीटर भी है, देखिए कम है, लेकिन इतना भी चलने में तकलीफ होती थी? नहीं, मुझे दो कदम चलने में तकलीफ होती थी, तो 2-2 मीटर रहेगी ना। तो दर्शकों चलिए आपको लेकर चलते हैं नफीस साहब के कारखाने पर। इनकी ये दौड़ देखने के बाद हम पहुंचे इनके कारखाने, जहां से ये अपना काम करते थे, लेकिन पूरे शरीर में दर्द और इस समस्या के कारण ये अपना कारोबार भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। इनकी पत्नी और इनके बच्चों ने इनके साथ साथ बहुत ही बुरा समय देखा है, लेकिन आज जब हम इन्हें चलता फिरता देख रहे हैं तो बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि हजारों लाखों घुटनों, कमर, सर्वाइकल, पैरों, जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोग अपने जीवन में खुशियों के पल को अपने परिवार के साथ पूरी तरह से जी नहीं पाते हैं। बड़े बच्चा मेरा एक हयात मानेसर रोड पे जो है उसमें परचेस मैनेजर है, नदीम नाम है उसका, और एक
एक दो पोतियां हैं, एक बहू भी है। अच्छा, तो ये मशीन यहाँ पे कितनी मशीन है यहाँ? मशीन मेरे पास 25 थी, अभी पूरा कारखाना एक तरह से मतलब मेजर डिस्ट्रॉय हो गया पूरा मामला लाइफ का। खुद पर विश्वास और ठीक होने की इच्छा शक्ति के साथ सही समय पर सही उपाय मिलना भी बेहद जरूरी है। यही विश्वास दिखाया था नफीस जी ने भी हकीम सुलेमान खान जी के गोंद सिया पर। तो कारखाने से आने के बाद हमने इनके साथ बैठकर इनकी पूरी तकलीफ को सुना। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आपको परेशानी क्या थी? जी जी मैम, मुझे परेशानी ये हुई कि अचानक करीब 2008 की बात है, तो मैं उन दिनों गांव गया हुआ था। मेरा घर मैंने बताया आपको, जैसा कि यूपी में है, तो मैं घर गया हुआ था। सुबह सो के उठा तो पता चला यहाँ मेरे लेफ्ट साइड में कंधे के नीचे दर्द महसूस हो रहा है। तो घर के लोगों ने कहा कि ऐसे ही नॉर्मली जैसे नस वगैरह कर चली जाती है कि ना, कुछ हो गया होगा कि ना, मगर वो बात नहीं थी। दो दिन गए, चार दिन गए, उसमें काफ़ी वक्त गुजर गया और उसमें कुछ भी मतलब जो है कोई आराम नहीं मिला। तब आराम नहीं मिला तो फिर मैं वापस दिल्ली आया। उन दिनों मैं दिल्ली प्राइवेट जॉब करता था, तो फिर मैंने वहाँ एम्स में करीब इसका इलाज शुरू किया और बड़ी उसमें संघर्ष की कहानी है। 7-8 साल लगभग मैंने एम्स में इलाज कराया, काफ़ी देसी दवाएं वगैरह इस्तेमाल करता रहा, मगर उनसे कोई नतीजा नहीं मिला। और भी कई शहरों में धक्के खाए, जिसने जहाँ बताया, आयुर्वेद में भी कई लोगों को दिखाया कि ना, ग्वालियर दिखाया, एक सन्यागानी हॉस्पिटल नखलू वहाँ दिखाया, और मैं जहाँ से प्रॉपर हूँ से FI रमाकांत न्यूरोलॉजिस्ट है, बहुत अच्छे के ना जी, पर्सनली उनसे मेरी जान पहचान थी, उनको भी दिखाया, मगर कुछ नहीं निकला। ये कहो वो निराश हो गया। फिर उसी दोनों ही हुआ कि मेरा ये लेफ्ट जो उल्टा हाथ जो था कि ना, ये उठना बंद हो गया और मैं लगभग पूरे तरह से बिस्तर पर आ गया। 7-8 महीने बिल्कुल बिस्तर पर ही रहा, कोई ये पानी नहीं पी पाता। एक बार तो बात ऐसा हुआ, मैं जा रहा है कि ना, प्यास बहुत शिद्दत की लगी, तो हाथ ही नहीं काम कर, उठ नहीं पा रहे, तो मैं पानी नहीं पी पा, तो आंसू आ गए कि ना, ये चलता रहा कि ना। तो फिर मेरे एक बहुत अजीज हैं, अशफाक भाई नाम है उनका कि ना, तो उनको थोड़ी तिब की जानकारी है जैसे दवाओं की, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा है एक दवा है, अगर वो असली मिल जाए तो असली कहाँ से मिले, ये बड़ा मसला था कि ना। तो हम लोगों ने छानबीन करी कैसे कहाँ मिल सकती है, तो ऐसे आपका एक इंटरव्यू हमने देखा कि ना जी, नेट पे देखा और यूट्यूब वगैरह का, तो आपका और वकील साहब का इंटरव्यू देखा, तो उसमें आपने ये सियागोंद के कालागोंद के बारे में आपने बताया कि इस तरीके से हमारा मर्द बहुत बढ़ चुका था, पूरे बॉडी के अंदर ये सुन्नपन आ गया था, और यहाँ कंधे में और यहाँ पे ऐसा महसूस होता था जैसे कील गड़ी हुई है, तो वो 24 घंटे बहुत बेचैन रखती थी, न सो पाना ना कुछ अच्छा, मतलब एक तरह से मायूस हो गए जिंदगी से, क्योंकि बच्चे भी उस टाइम पढ़ रहे थे, कोई ऐसे बच्चे भी बड़े नहीं थे कि ना, और जो मैं काम कर रहा था, मेरी सिलाई का काम था, वो भी इसकी वजह से डिसॉल्व हो गया, तरह खराब हो गया। तो फिर जब ये दवा के बारे में मैं हकीम साहब का मामला आया कि हाँ साहब इस पर यकीन कर सकते हैं, तो वो दवा हमने फिर आपके यहाँ से ऑर्डर की। ठीक है, ऑर्डर की तो वो अप्रैल 2023 में वो पहला डिब्बा सियागोंद का मेरे यहाँ आया, तो फिर मैंने उसको शुरू किया कि ना, और 10 दिन में ही मुझे उसका रिजल्ट लगा कि बॉडी ने बताया कि हाँ कुछ फायदा है। क्या क्या आपको चेंज लगा? चेंज मुझे ये लगा कि दर्द में मुझे रिलीफ था, बट जो मेरी वो मैं जो बता रहा हूँ कि जैसे कील जैसी थी कि ना, दर्द में तो आराम मिल जाता था, मगर उस जो कील जो चुभन थी यहाँ पे और जो जकड़न थी बॉडी के अंदर, उसमें नहीं रिलीफ मिलता था। तो मुझे पहली बार उसमें ये लगा कि वो जो कील सी गड़ी हुई है मेरी यहाँ कमर पे और कंधे पे, उसकी चुभन में फर्क है। तो मुझे लगा कि हाँ इस पे यकीन कर सकते हैं, विश्वास करते हैं। तो अप्रैल 2023 से मैंने उसको स्टार्ट किया, और लगभग दिसंबर आते आते 2023 का दिसंबर आते आते मुझे लगा कि मैं 50-60% ठीक हूँ। उसके बाद क्या आसानी होने लगी? आसानी ये जकड़न थी बॉडी के अंदर, वो खत्म हुई, और जो मेरी बॉडी की एक्टिविटीज थी कि ना, जरा सी कोई ऊंचाई वाली सी जैसे सीढ़ी ही है, तो मैं बड़ा 10 बार सोचता था कि इस पे कितनी देर में जाऊंगा, तो ये नहीं हो पाता था। यानी बॉडी बिल्कुल एक तरह से धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह ठंडी होती जा रही, उसकी जो कार्य क्षमता थी या ये कहें जो उसकी एक्टिविटीज होती है बॉडी की, वो घट गई थी। ठीक है, तो उसमें मुझे लगा कि हाँ इसमें ताकत आ रही है, बॉडी के अंदर एनर्जी आ रही है। तो मैं सोचता था 10 बार कि ये कैसे करूंगा यहाँ पे ये पैर उठा के, तो उसमें मुझे फर्क लगना महसूस हुआ, ये पहली बार हुआ। मैं बता रहा हूँ मैं बिल्कुल मायूस हो चुका था लाइफ से, क्योंकि
जो इंसान सो नहीं पा रहा, आप समझिए कितनी तकलीफ, करवटें बदल रहा है। तो वो मैं सिराह उठता हूँ जब मुझे वो मंजर याद आते हैं कि ना, तो पूरे रोंगटे मतलब खड़े हो जाते हैं। जो मुझे फायदा हुआ है वो इस दवाई की बदौलत हुआ है, सच बात तो ये। अगर ये दवा शायद मुझे नहीं मिलती तो शायद मैं इस कंडीशन में आपके सामने बैठ के बात नहीं कर पाता। सही कह रहे हैं आप। ये आपको जो दर्द की शुरुआत हुई, ये शरीर के किस भाग से शुरू हुई थी? मेरी ये जो गर्दन है, गर्दन के लेफ्ट साइड, यहाँ से ये लगभग, अगर आप देख पाए तो ये लगभग जॉइंट जो है गर्दन का, नहीं जॉइंट से नीचे की तरफ, शोल्डर साइड में, इस साइड में, ये सेंटर पर, फिर ये पहुंचा ये हाथ पे, ये हाथ 5-6 महीने उठा नहीं, मैं बिस्तर पर चला गया, बिल्कुल कोई काम नहीं कर पाता था। उसके बाद में फिर ये थोड़ा सा इसमें रिलैक्स हो गया तो फिर नीचे आ गया कमर पे, ठीक है। इसने सबसे ज्यादा परेशान, इसको मैंने वो कराया था MIR, तो उसमें था C5 C4 कुछ बताई उन्होंने, इस तरह की प्रॉब्लम। अच्छा, कमर से फिर पहुंचा, फिर कमर से ये बढ़ते बढ़ते ये नीचे तक चला गया, फिर हाथ पैरों में ये जकड़न हो जाती थी, जकड़ जाती थी हाथ सर्दियों में, और सुनपन आया था 3 दिन। तो जैसे अभी आप मुट्ठी ऐसे मोड़ रहे हैं, ऐसे मोड़ भी नहीं पाते होंगे? हाँ, इनमें जकड़न हो जाती थी, ये उंगलियां जो है सख्त हो जाती थी, कर्री हो जाती थी, और ये कंडीशन ये लेफ्ट साइड थी, उल्टी हाथ साइड, इस साइड थी। अच्छा, डॉक्टर का क्या कहना था जब आप? डॉक्टर का तो ये कहना था कि ये आपको ऐसी बीमारी है, लास्ट टाइम मैंने 2016 में, तो मैंने यहाँ एक डॉक्टर थे के नाम डॉक्टर सिन्हा, SMS में थे यहाँ जयपुर में जी, और उनसे मैं कंसल्ट रहा करीब 5-6 महीने। फिर एक डॉक्टर भास्कर है, ठीक है, बड़े अच्छे हैं, इसी SMS में अभी प्रेजेंट टाइम में है, ये न्यूरोसर्जन है, कहने लगे ये जो बीमारी है नफीस भाई आपको, ये ऐसी बीमारी है ना कि मैं इसके ऑपरेशन तक पहुंच गया, तो मैंने मैं ऑपरेशन करा लूं अगर ये सही हो जाए तो। अच्छा, तो वो कहने लगे ऑपरेशन तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, कर सकते हैं, मगर ये 99% चांस है आपके पैरालिसिस होने के, अपाइज होने के, ऑपरेशन के बाद भी, ऑपरेशन के बाद आपके चांस है इसमें 99% आप अपाइज हो सकते हो, बेहतर है कि जो ऐसी लाइफ है आपकी आप ऐसी ही जियो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, जब आपको ये तकलीफ शुरू हुई, पहले ये गर्दन, फिर कंधा, कंधे के बाद कमर, कमर के बाद पैर, यानी पूरा शरीर आपका सुन हो गया था, जी जी जी। तो जिंदगी कितनी बदलती हुई नजर आ रही थी? मैं तो ये बच्चे मेरे बैठे हैं तो बिल्कुल मैं निराश हो चुका था कि ना, बिल्कुल निराश हो चुका था, उम्मीद, क्योंकि सारे बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, पढ़ रहे थे, कोई बच्चा ऐसा भी नहीं था जो कि कुछ कर सकता था, कारोबार मेरा था वो भी मेरी वजह से सब खराब हो गया, डैमेज हो गया, मैंने वर्कशॉप था मेरा सिलाई का कि ना, तो वो भी मेरे कंधों पर था क्योंकि मैं ही उसको चलाने वाला था, तो बहुत मायूसी थी, बहुत मायूसी थी, मगर कहीं एक उम्मीद की किरण थी, ऊपर वाले से लो थी कि शायद कोई ऐसा मसला बन जाए, मगर अंदर से मैं बहुत टूट चुका था। तो पहले आप क्या काम नहीं कर पा रहे थे जब आपका शरीर बिल्कुल जाम हो चुका था, और अब क्या काम ऐसे हैं जो आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं हकीम साहब के गौनसिया का इस्तेमाल करने के बाद? जी, इस गौनसिया के इस्तेमाल के बाद और जब से मुझे इसमें जो आराम है, 95% नहीं बल्कि मुझे 99% इसमें आराम है, तो नॉर्मल जैसे मैं पहले लाइफ जी रहा था वैसे ही अब जी पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी एक तरह से नहीं कर पाता था, सीढ़ियाँ चढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, ये सीढ़ियाँ नहीं, जीने की सीढ़ियाँ नहीं, घर की जैसे थोड़ी 2-3 सीढ़ियाँ जो होती हैं उन पे भी पैर उठाने में रखने में दिक्कत होती थी, गिलास पानी का पकड़ने में, पीने में, उसमें भी वाइब्रेशन होता था बॉडी के अंदर बहुत ज़बरदस्त। मुझे फ़ायदा मिला है तो मैं जहाँ पे भी होता हूँ, रास्ते में हूँ, मार्केट हूँ, कहीं पे भी हूँ, कोई ऐसी तरह की बातचीत करता है तो मैं फौरन उसको सजेस्ट करता हूँ कि भाई मुझे इससे बहुत आराम मिला है, गौन सिया से, और ये सही और शुद्ध जो है ये हकीम साहब के यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि मैंने इसको बहुत, इसको शुद्ध के लिए बहुत खंगालने की कोशिश करी, ये जयपुर की मैंने पूरी मार्केट छान मारी, बड़ी मुश्किल से मैं लेके आया, मेरी बेटी है छोटी की ना अधिका, तो हम लोगों ने उसको पीसा के ना, मगर वो 2-3 बार मैंने खाया तो मुझे लगा नकली था कि ना, और भी मैंने कोशिश करी तो मैंने, इसलिए अगर शुद्ध नहीं मिलता तो मुझे शायद उसमें फ़ायदा नहीं होता। तो नफीस साहब, उम्र कितनी है अभी आपकी? 53 चलिए 53 आपकी उम्र है, लेकिन आप बहुत पहले से ही इस दर्द को झेल रहे थे, और ना उम्मीद जहाँ पे आप हो गए थे, लेकिन अब उम्मीद वो जाग गई हकीम साहब की जी, बिल्कुल उम्मीद क्या, उम्मीद है, उम्मीद क्या जाग गई, माशाल्लाह साहब ने अच्छी वाली दिखाई जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें इतनी सारी दुआएं देने के लिए, ऊपर वाला आपके साथ भी ऐसे ही करे और आप ऐसे ही सेहतमंद रहे, और आप सबका भी शुक्रिया कि आप लोग आए, और मैं दूसरों से भी ये कहना चाहूँगा कि ना कि जब ऐसी कोई बीमारियां जिंदगी में घेरें तो हिम्मत हौसला रखें और कोशिश करें कि वो देसी और असली दवाएं लेंगे। जी जी जी।